फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भेज हांडी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, शुरू करते हैं। तो भेज हांडी बनाने के लिए हमको चाहिए खूब सारे वेजिटेबल्स, जिसमें मैं ली हूं यहाँ पे फूलगोभी, बीन्स, गाजर और आलू। और यहाँ पर हमको चाहिए कुछ कैप्सिकम और ये कुछ हरे मटर। इसमें आप वेजिटेबल अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम कैप्सिकम और मटर को छोड़ के बाकी सारे वेजिटेबल्स को हम सॉटे कर लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, उसमें हम पहले डाल देंगे आलू को। आलू को डाल के हमको आलू को 2 मिनट के लिए इसको सॉटे करना है। पहले हमको आलू को सॉटे कर लेना है क्योंकि ये कुक होने के थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए। तो जब तक हमारा आलू सॉटे हो रहा है, हम पहले से काजू को हम सोक करके रखे थे 30 मिनट के लिए। अभी हम इसको थोड़े से पानी देके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम पे हमारा आलू सॉटे हो गया है। यहाँ पे हम बाकी के वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे, फूलगोभी, गाजर और ये बीन्स। सबको अच्छे से मिला के इसको हम सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से कुक ना हो जाए, लगभग 60-70%। चलिए इसको हम सॉटे कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गए हैं। ये 70% तक कुक भी हो गया है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकाल के हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी उस सेम पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून बटर। इसमें बटर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, तो बटर को हम पहले मेल्ट करने के लिए छोड़ेंगे। ध्यान रखिए, जब बटर डालें तो फ्लेम को आपको लो टू मीडियम में रखना है ताकि बटर हमारा जल ना जाए। अभी हम इसमें कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 चक्री फूल, थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 इलायची, 3-4 लौंग और ये 1 तेज़पत्ता। सबको हम मिला के 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। फिर अभी हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैं ली हूँ ये, यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन है, 2 से 3 गार्लिक के क्लोव्स है और ये 1 इंच अदरक। सबको हम अच्छे से मिला के चॉप कर लिए हैं एकदम बारीक बारीक। इसको हम अभी डाल देंगे और डाल के 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर अच्छे से भून गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगा है। अभी हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेटेड टमाटर। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा टमाटर को ग्रेट करके डाल रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के हमको इसको सॉटे कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर को पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए, हमारा टमाटर भी पक गया है, थोड़े थोड़े ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अभी उसमें हम डाल देंगे 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और अभी इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिला के हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा जो पाउडर मसाले है वो सब अच्छे से भून जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे हम जो पीस के रखे थे काजू का पेस्ट, ये देखिए इस तरह से इसको आप डाल देना है। डाल के हमको सारे मसालों के साथ इस काजू के पेस्ट को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हम अच्छे से मिला लिए। अभी हम इसमें कुछ ग्रीन चिली डालेंगे। यहाँ पे मैं 4 ग्रीन चिली को इस तरह से स्लिट करके डाली हूँ। अच्छे से मिला लेते हैं और इसको अभी थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि हमारा काजू हम जो डाले हैं वो थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल सेपरेट होने लगा है, मतलब हमारा ये काजू ऑलमोस्ट पक गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे हरे मटर और ये कैप्सिकम जो चॉप करके रखे थे। अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं, क्योंकि हम मटर और कैप्सिकम को पहले से सॉटे नहीं किए थे। तो अभी हम इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं 1 कप के आसपास दे रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दीजिएगा। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको सिम करके लो फ्लेम में इसको हमको चढ़ाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर इसमें हम जो रखे थे सॉटे करके वेजिटेबल्स सारे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हम सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिला लिए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमको डालना है स्वाद के हिसाब से। मिला लेते हैं और एक बार। अभी हम इसका ढक्कन लगा के इसको 7 से 8 मिनट के लिए
लो टू मीडियम फ्लेम में इसको हम पकने देंगे। ये देखिए 7 मिनट के बाद ये हमारा भेज हांडी सब्जी जो है वो लगभग बन के तैयार है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, फिर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। अच्छे से मिला लेते हैं, मिला के उसको बिना ढके 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं, क्योंकि हमारा सारे जो सब्जी है वो सारे अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के तुरंत बाद हमको फ्लेम को ऑफ कर देना है। क्रीम डालने के बाद हमको उसको ज़्यादा और नहीं पकाना है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और ये गर्मा गर्म भेज हांडी बनके हो गया है तैयार। इसको आप रोटी पराठा नान के साथ बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है सबको रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।